हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूँ वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक मशहूर जगह जिसका नाम है मिरिक। अगर आप मिरिक नहीं आते हैं तो बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे अपने लाइफ से, क्योंकि इधर का जो रास्ता है वो एकदम मक्खन की तरह मुलायम है और इधर के जो टी गार्डन्स है वही अगर आप नहीं देखे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ कौशिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ मिरिक में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप मिरिक कैसे जा सकते हैं, कब जाएंगे मिरिक, कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मिरिक आप कैसे जा सकते हैं। मिरिक जाने के लिए इसका सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है एनजीपी। तो एनजीपी आपको आना पड़ेगा। एनजीपी से आप मिरिक जा सकते हैं शेयर्ड कार में, और सिलीगुड़ी से भी आप मिरिक जा सकते हैं शेयर्ड कार में। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो आपको उतरना पड़ेगा बगडोगडा एयरपोर्ट, उधर से आपको कैब बुक करना पड़ेगा मिरिक के लिए। अगर आप सिलीगुड़ी या एनजीपी से शेयर्ड कार में मिरिक जाते हैं तो पर हेड आपको जो भाड़ा लगेगा वो है 300 रुपये। 300 रुपये में आपको मिरिक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी भाड़ा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इधर का नॉर्मल जो भाड़ा होता है वो है 150 रुपये। तो 150 रुपये में आप मिरिक पहुँच सकते हैं सिर्फ 2 घंटे में। सिलीगुड़ी से 2 घंटे में आप मिरिक जा सकते हैं। मिरिक जाने के रास्ते पे बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मिरिक का रास्ता, एकदम मक्खन है मिरिक का रास्ता। मतलब इस रास्ते में अगर आप रेनी सीजन में जाते हैं तो क्या बोले हम, बहुत ही अच्छा लगेगा, मन एकदम भर जाएगा। और इस रास्ते से ऊपर जाते जाते आपको दिखाई देगा इधर का जो व्यू पॉइंट्स, मतलब इधर का जो मेन व्यू वो है इधर का टी गार्डन। दार्जिलिंग टी मेनली इस मिरिक में ही बनता है। मतलब मिरिक का जो मेन पोर्शन है वो पूरा ही दार्जिलिंग टी में भरा हुआ है। तो मिरिक में घूमने का जगह भी ये दार्जिलिंग टी गार्डन ही है। तो हम लोग जब गाड़ी से जा रहे थे तब इधर के एक मशहूर व्यू पॉइंट पे रुके जिसका नाम है तिमलिंग व्यू पॉइंट। तिमलिंग व्यू पॉइंट एक व्यू पॉइंट है और इधर लिखा हुआ है आई लव मिरिक। और इधर के सामने जो दूर में जो देख रहे हैं वो है नेपाल बॉर्डर, और नेपाल बॉर्डर के जो व्यूज है आप देखेंगे तो चकरा जाएंगे। मतलब क्या सुंदर व्यू है ऊपर से। ये तिमलिंग व्यू पॉइंट के ऊपर से नीचे का नज़ारा ही कुछ अलग है। मतलब नीचे पूरा टी गार्डन आपको दिखाई देगा और उसके सामने ही दिखाई देगा नेपाल। हम लोग अभी आए हैं तिमलिंग व्यू पॉइंट पे, और इधर आप देख सकते हैं कि आई लव मिरिक लिखा हुआ है। तो ये आप जब सिलीगुड़ी से जब आएंगे तब इधर उतर के इधर से फोटो खींच लेना, नहीं तो फिर से मिरिक से इधर आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर आई लव मिरिक लिखा हुआ है। देखिए नॉर्थ बंगाल में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, आई लव दार्जिलिंग, आई लव कालिम्पोंग, आई लव मिरिक, तो ऐसे लिखा हुआ होगा इतना बड़ा बड़ा करके, तो अच्छा लगता है। मतलब फोटो खींचने में अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप भी कीजिएगा। अगर आप चाहे तो इधर से मोमो ऑर्डर करके खा सकते हैं, उसके बाद आप सीधा चले जाइए मिरिक आपके रूम में। हम लोग मिरिक में जिस होटल में रुके थे वो मिरिक का सबसे बेस्ट होटल था, वो है होटल जगजीत, जिसका एक डेढ़ का मिनिमम प्राइस होता है 2999। ये है रूम का लोएस्ट प्राइस, और इससे अच्छा रूम भी है जो 4000 और 5000 में भी आता है। हम 2999 के जो रूम है उस रूम में हम लोग रुके थे, और इधर से बाहर का नज़रिया भी बहुत ही बढ़िया था।
और इधर के जो फैसिलिटीज़ हैं मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में धीरे धीरे, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए जस्ट। तो हम लोग होटल में चेक इन कर चुके हैं मिरिक में। हमारा जो होटल है वो है होटल जगजीत और बहुत ही अच्छा होटल है और मिरिक का सबसे बड़ा होटल है। ठीक है, अब देख रहे हैं ये टोटल हमारा वेरे, पीछे टीवी है, उसके पीछे बाथरूम है और ये है कॉरिडोर और टोटल बहुत ही अच्छा होटल है और इधर से व्यू भी बढ़िया है। बाहर आप अगर देखेंगे तो व्यू भी आपको बढ़िया मिलेगा और बाहर और भी होटल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इधर बैठने के लिए जगह भी है और बहुत सारा इंतजाम बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने। ठीक है, तो अंत तक देखते रहिए और ट्रिप को एंजॉय कीजिए। मिरिक में होटल में हम लोग चेक इन किए और चेक इन करके थोड़ा सा रेस्ट ले लिए, उसके बाद हम लोग होटल से निकले और गए मिरिक लेक में। मिरिक लेक के सामने ही है मिरिक जो टैक्सी स्टैंड, मिरिक टैक्सी स्टैंड से हम लोग एक कैब और या टैक्सी आप जो भी कहें हम लोग कैब बुक किए। पूरा दिन के लिए हम लोग पूरा मिरिक घूमेंगे। जो मिरिक लेक है वो तो पास में ही, हम लोग कभी भी घूम सकते हैं, लेकिन पूरा घूमने के लिए एक कैब आपको बुक करना पड़ेगा। तो हम लोग जो कैब बुक किए थे उनका भाड़ा लगा 2200 में हम लोग जहाँ जहाँ घूमे वो मैं आपको बताऊँगा। कैब हमको सबसे पहले ले गए मिरिक के सबसे बढ़िया टी गार्डन जो है गोपालधारा टी गार्डन। हम लोग अभी गोपालधारा टी गार्डन में टी स्टेट में आए हैं। गोपालधारा टी स्टेट एक मिरिक का एक फेमस टी स्टेट है, टी गार्डन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इधर मेरे पीछे आप देख सकते हैं एकदम टोटल जो टी स्टेट है, मतलब वो टी गार्डन है टोटल इधर किया हुआ है और सामने भी बहुत सारे, मैं आपको दिखाऊंगा ड्रोन शॉट के साथ भी दिखाऊंगा, आप देखिए और एंजॉय कीजिए। आप अगर इधर आते हैं तो आप इधर मिरिक में आते हैं तो ये गोपालधारा टी स्टेट में जरूर आइएगा, क्योंकि ये देखने के लिए एक फेमस जगह, एक पॉइंट की तरह इधर ट्रीट किया जाता है, तो इधर आप जरूर से आइएगा। ठीक है, अगर आप इधर जाएंगे तो आपका मन खुशनुमा हो जाएगा, मतलब चारों ओर हरियाली हरियाली है, मतलब टी गार्डन ही टी गार्डन है, आपका मन भर जाएगा। और इधर से बाहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा है, मतलब चारों ओर दिखाई देता है। अगर आप टॉप के जो पहाड़ है उसके ऊपर आप उठेंगे और उधर से देखेंगे तो पूरा टी गार्डन आपको दिखाई देगा और इधर का नज़रिया भी बहुत अच्छा है। गोपालधारा टी गार्डन में आधा एक घंटा रहने के बाद हम लोग उधर से निकले और सीधा पहुंच गए पशुपति मार्केट। इंडिया में जो है पशुपति मार्केट से ही नेपाल जाने के रास्ते है, मतलब नेपाल बॉर्डर के रास्ते है पशुपति मार्केट। अगर आप नेपाल जाना चाहे तो आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड आपके पास रहना चाहिए, तो आप उधर से रिकॉर्ड करके आप नेपाल जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही नेपाल जा सकते हैं। और अभी बॉर्डर खुला हुआ है तो अभी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब गए थे तब बॉर्डर खुला नहीं था, इसलिए हम लोग जा नहीं पाए। तो पशुपति मार्केट से हम लोग निकले और गए सीधा शिमाना व्यू पॉइंट। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं इधर शिमाना व्यू पॉइंट। पीछे जो देख रहे हैं वो हमारा ड्राइवर है, बहुत ही अच्छा है, उनका नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके साथ कांटेक्ट करके भी आ सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको इधर हो जाएगा, मिल जाएगा, मतलब टैक्सी मिल जाएगा, वो आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको कर देंगे। शिमाना व्यू पॉइंट एक ऐसा जगह है जो है हमारे इंडिया का शिमाना, मतलब बॉर्डर, और उसके उस पार है नेपाल। नेपाल आप देख सकते हैं और इधर का नज़रिया भी बहुत ही अच्छा है, मतलब क्या कहें, इधर अगर आप रुकते हैं तो रुकने का मन ही करेगा, इधर से कहीं पे जाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन हमको निकालना था इसलिए हम लोग शिमाना व्यू पॉइंट से निकले और गए जोड़ पोखरी। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं जोड़ पोखरी। जोड़ पोखरी के इधर आप देख सकते हैं एक छोटा सा पॉन्ड तालाब, इधर तो बोलते हैं कि लेक, तो लेक टाइप कुछ बना हुआ है। और इधर पीछे कुत्ता भौंक रहा है और उसके पीछे है
इधर एक पार्क, तो जोरपोखी भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इधर व्यू कैसा मिलेगा, क्योंकि इधर तो पूरा क्लाउड है भाई, पूरा क्लाउड है। तो जितना हमसे हो सके हम उतना दिखाते हैं आपको, आप देख लीजिए, आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा आपको। जोरपोखरी एक ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसके सामने ही बनाया हुआ है एक आर्टिफिशियल लेक, और आर्टिफिशियल लेक के सामने ही है एक बड़ा सा गार्डन, और उसके पास है बड़ा बड़ा पाइन ट्री। पाइन ट्री, अगर पाइन बन आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर से आइए जोरपोखरी, नहीं तो अगर आप नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है जोरपोखरी, क्योंकि आप मेरिक से जब दार्जिलिंग जाएंगे तभी आपको रास्ते में जोरपोखरी देखने को मिलेगा। तो आप इस टूर में जोरपोखरी को रहने भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जोरपोखरी में गए और बहुत ही एंजॉय किए, इधर ड्रोन भी उड़ाए, और ड्रोन तो मेरा एकदम क्लाउड के अंदर चला गया था और नीचे उतारने वाला ही नहीं था, तो हम लोग बहुत मेहनत करके ड्रोन को नीचे उतारे और इधर से निकल गए। देखिए जोरपोखरी में जो है एक सुंदर सा एक पॉन्ड है, तालाब बना हुआ है, ठीक है, और उसके पास एक सुंदर सा गार्डन आप बोल सकते हैं, पार्क आप बोल सकते हैं, पार्क बना हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो बीच में जो है वो पंचनाग का मूर्ति है, ठीक है, और इधर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे होमस्टे भी है, पीछे मेरे पीछे आप होमस्टे देख सकते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे होमस्टे भी है, तो आप इधर चाहे तो रह सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इधर से आप जा सकते हैं, मिरिक से भी आ सकते हैं और दार्जिलिंग से भी आ सकते हैं, आने के टाइम पे इधर घूम के जा सकते हैं। हम लोग जब रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में चारों ओर आपको पाइन ट्री देखने को मिलेगा, और पाइन ट्री के साथ साथ जो मिलेगा वो है टी गार्डन। इधर का टी गार्डन आपको सचमुच भा जाएगा, क्योंकि ये देखने लायक ही है, हर टाइम आपको देखना ही पड़ेगा। हम लोग जोरपोखरी से निकले और सीधा चले गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है स्विच कॉटेज। हम लोग अभी आए हैं स्विच कॉटेज में, ये मिरिक में ही स्थित है स्विच कॉटेज। इधर तुम रह भी सकते हो, इधर देख सकते हो बहुत सारे कॉटेज, और तुम देखने के लिए भी आ सकते हो, मतलब इधर ₹10 लगता है एंट्री फी। बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है, इधर का जो रेंट है वो मैं सुन के तुमको बताऊंगा कि कितना रेंट है घर में रहने के लिए। बहुत अच्छा कॉटेज है, आप देख सकते हैं। स्विच कॉटेज बेसिकली विला से, मतलब 12-13 विला मिला के ये स्विच कॉटेज का नाम दिया गया है, जिसका मॉडल स्विट्जरलैंड के कॉटेज के तरह ही होता है, और इधर रहने के लिए आपको 4,000 और 5,000 पे करना पड़ता है प्लान के हिसाब से, और अगर आप एक दिन इधर रहते हैं तो इसका जो फुल कॉटेज है वो आपको दे दिया जाएगा, मतलब 2 मंजिला कॉटेज आपको दे दिया जाएगा, पूरा कॉटेज ही आपका है, जस्ट आपको पे करना पड़ेगा 4,000 या 5,000। और अगर आप इधर नहीं रहना चाहते तो आप 10 रुपी पे कीजिए और अंदर जाइए, देखिए, फोटो वोटो खींचिए और इधर से निकल आइए। इधर से मिरिक शहर का नज़रिया कुछ अलग ही है, अगर आप नहीं गए तो स्विच कॉटेज में ज़रूर जाइए। हम लोग इधर से निकले और सीधा पहुंच गए हमारे रूम होटल जगजीत में। होटल जगजीत एक बड़ा होटल है, अगर आप इधर आएंगे तो देखने को बहुत कुछ मिलेगा। इधर से बाहर का नज़रिया भी बहुत अच्छा है, अंदर कॉम्प्लीमेंटरी आपको चाय या कॉफ़ी बनाने का सामान दिया होगा, कांच का पानी का बोतल आपको दिया होगा, और बाथरूम में सब प्रकार के एकोमोडेशंस दिए होंगे, मतलब ब्रश, साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश सब कुछ इधर दिया होगा, और पूरी तरह सब कुछ सैनिटाइज्ड है। और इधर का जो बिस्तर है, बिस्तर भी बहुत ही आरामदायक है, और इन लोगों का अलग से रेस्टोरेंट भी है, जगजीत रेस्टोरेंट काम बार। इधर आपको विभिन्न प्रकार के वाइन्स, बियर्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे, सब कुछ इधर अवेलेबल है और इधर लीगल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वाइन रेकमेंड नहीं करता क्योंकि मैं भी नहीं पीता और मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करता, तो आप पी सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। इधर से आप खाने का ऑर्डर भी कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक ये रेस्टोरेंट खुला रहता है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा हाई, मतलब नॉर्मल जो प्राइस है उससे 1.5 गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा इधर खाने के लिए।
हम लोग चिकन बिरयानी ऑर्डर किए थे, तो एक प्लेट चिकन बिरयानी इधर 280 रुपीस है, ठीक है, तो नॉर्मल से कई ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली 150 रुपए में चिकन बिरयानी मिल जाता है, लेकिन इधर 280 रुपीस है, मतलब दो गुना ज़्यादा है। तो इधर डबल पे करके आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और आप रूम में भी मंगवा सकते हैं या आप रेस्टोरेंट में जाके भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेस्टोरेंट का नज़रिया भी बहुत ही अच्छा है, रेस्टोरेंट में क्या क्या मेनू है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सर्व कर चुके हैं और अभी खाने का टाइम है, तो और ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा वीडियो। और बिरयानी का टेस्ट थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इधर जो स्मेल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, मतलब जो सुगंध है, सुगंध थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है नॉर्मल बिरयानी से, तो आशा करता हूँ कि अलग ही होगा और आपको भी मजा आएगा। अगर आप होटल जगजीत में आते हैं तो इतना सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा। और हाँ, जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसके ऊपर आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, तो जीएसटी अलग से आपको देना पड़ता है हर ऑर्डर के ऊपर, तो हमको भी देना पड़ा जीएसटी, ठीक है। तो चलिए खाना शुरू करते हैं, और अभी तो और मैं आपको नहीं दिखाऊंगा मेरा खाना। नेक्स्ट दिन हम लोग निकले पैदल हमारे होटल से, जस्ट 2 मिनट का दूरी है मिरिक लेक। आप मिरिक लेक के चारों ओर घूम सकते हैं, नेचुरल लेक है और इसके चारों ओर आप घूम सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो है वो लेक है, ठीक है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा है, सुंदर है, और रेनी सीजन में तो बहुत अच्छा लगता है ये जगह, और नॉर्मल सीजन में तो अच्छा लगता है, क्योंकि विंटर के सीजन में ही इधर लोग ज़्यादा आते हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में। और आप कभी भी आ सकते हैं, मैंने रेनी सीजन में मानसून में ट्राई किया और देखा कि कैसा लग रहा है, पूरी चारों ओर ग्रीनरी है और आपको अच्छा लगेगा, आके अच्छा लगेगा, आप आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मिरिक लेक बहुत ही खूबसूरत एक लेक है, जिधर आप बोटिंग कर सकते थे कोरोना से पहले, लेकिन अभी बोटिंग बंद है। इधर जो आप कर सकते हैं वो है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग करने के लिए आपको 160 रुपीस पे करना पड़ेगा, और ये पूरा लेक को ये लोग एक बार आपको चक्कर मारेंगे इस घोड़े के ऊपर आपको बिठा के। तो अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को करना नहीं था इसलिए हम लोग नहीं किए, लेकिन अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं। इधर का ड्रोन व्यू जस्ट ऑसम है, मतलब इधर से पूरा मिरिक शहर दिखता है, और इधर का जो लेक है वो तो ऑसम ही ऑसम फीलिंग देता है। अगर आप नहीं आते तो आप बहुत ही मिस करेंगे, मतलब आप बहुत मिस करेंगे। इधर मिरिक लेक के पास ही है मिरिक गार्डन, अगर आप मिरिक में जाते हैं तो मिरिक गार्डन भी आप विजिट कर सकते। तो सुबह सुबह हमारा मिरिक लेक देखना कंप्लीट हो गया। इधर से आप दो प्लान कर सकते हैं, फर्स्ट आप इधर से डायरेक्ट आ जाइए शेयर्ड कार में सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से आप अपने घर जा सकते हैं, एक दिन का ही टोटल टूर है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम टूर को ज़्यादा बढ़ाए, तो इस टूर को आप दार्जिलिंग टूर के पहले रख लीजिए, मतलब अगर आप दार्जिलिंग जाते तो एक दिन आप मिरिक में स्टे कीजिए, उसके बाद इधर से चेकआउट करके नेक्स्ट डे आप दार्जिलिंग के लिए निकल सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा मिरिक टूर गाइड, मिरिक में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, पूरा इस वीडियो में मैं आपको दिखाया, और इधर का ऑसम व्यू भी मैं आपको दिखाया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिरिक में घूमने के लिए आपका खर्च कितना होगा, 8000 रुपीस फॉर 2 persons। अगर आप यही 4 persons चले जाएंगे तो 8000 रुपीस से घट के 2% का 7000 रुपए हो जाएगा। तो मान के चलिए अगर आप 4 जन के एक टीम में जाते, एक ग्रुप में जाते, तो 3,500 से 4,000 रुपये में आप मिरिक 1 night 2 day टूर कर सकते हैं 3-star होटल में रह के। अगर आप होटल थोड़ा सा कम में लेते हैं, मतलब 1,000-1,500 में लेते हैं, तो भी आप अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, क्योंकि होटल में तो ज़्यादा देर तक रहना नहीं है, रहना तो बाहर ही है, होटल में जस्ट कंफर्ट के लिए, रात को सोने के लिए होटल ही काफ़ी है। तो अगर आप 3-star होटल में रहना चाहते हैं तो 3-star होटल में रहिए, अगर आप नहीं रहना चाहते, दूसरे कोई होटल में रहना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल एजेंट का नंबर दे दूंगा, उधर से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए उनसे, और उनको बोलिए कि हमारे बजट के हिसाब से हमको होटल बुक कर दीजिए। तो ये था टोटल टूर गाइड और कितना खर्च आपको होगा
पूरा मैं आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। हम लोगों को आप फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में बहुत सारे चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ, तो ज़रूर से इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम आगे जाएंगे और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपसे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।